मेरा एक निवेदन है कि ना थोड़ा भीड़ ज्यादा लग रही है, ऐसी भीड़ भाड़ में कोई दुर्घटना भी हो जाया करती है, थोड़ा यहाँ रूप से पड़ दो पीछे हो जाओ पीछे। बहुत बढ़िया, अब बैठ जाओ बैठ जाओ, थोड़ा पंद्रह बीस मिनट सुनिए से। आज के इस ये जो होली नाम का उत्सव, विभिन्न प्रकार के रंग भरा उत्सव, सारे देश में दुनिया में मनाया जाने वाला ये उत्सव, आज इस उत्सव में मंच पर विराजमान पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष श्री अशोक गुर्जर जी, हमारे पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री कृपाल शर्मा जी, गुना के विधायक श्री कुमार तिवारीगढ़ जी, विधायक कोंडरी श्री दिनेश शर्मा जी, विधायक हमारे लाडवा डॉक्टर पवन सैनी जी, विधायक सढ़ोरा श्री बलवंत सिंह जी, पार्टी के हमारे महामंत्री श्री वेदपाल जी, इस जिले के प्रभारी श्री कर्ण सिंह रणौरिया जी, अभी अभी सुगरफेड के नवनियुक्त चेयरमैन श्री हरपाल सिंह जीका जी, हमारे सभी वरिष्ठ नेता श्री सुरेंद्र राव जी, श्री लीलाराम जी, हमारे पार्टी के पूर्व जिला प्रधान और बहुत ही वरिष्ठ नेता श्री अमरनाथ भगत जी, श्री रणधीर गोविंद जी, श्री कैलाश भगत जी, मुख्या स्थापना जी, श्री राजपाल धवन जी, हमारे मंडी के प्रधान श्री मित्तल जी, सभी उपस्थित कैथल जिला के विभिन्न संस्थाओं से बधाए हुए और भारतीय जनता पार्टी से संबंधित सभी हमारे बुजुर्गो नौजवान साथियों, दो विषयों का रखने के, एक हमने 5 साल में क्या किया, उपलब्धियां ये बताने की बात होगी। उपलब्धियों के बारे में हमारे अशोक गुर्जर जी आपके सामने बहुत सी उपलब्धियों की जिक्र कर रहे थे। दूसरा, हम दोबारा जब आएंगे तो आगे 5 साल में हमारा विजन क्या होगा, उस विजन के ऊपर वो जो हमारा चित्र बनता है कि आगे क्या क्या काम रह गए जिसको हमको करना है, तो दो बातें रहते हैं। जो विपक्ष होता है उसका एक ही काम होता है, क्या, सत्ता पक्ष की आलोचना करना, आलोचना ही करते हैं, उसी में से उनको कुछ आगे बढ़ने के लिए मिल जाए मिल जाए ना मिल जाए ना मिल जाए। अब जनता को, आप सबको दोनों बातों का एक प्रकार से तुलना करनी है, दोनों बातों को तोलना है कि तोल करके सत्ताधारी पक्ष के लोग यानी हम भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमने क्या किया है, क्या 48 साल में हरियाणा जैसे बना पहले भी कभी हुआ ऐसा, या देश के अंदर 55 साल कांग्रेस की सरकार रही, उन 55 सालों में कांग्रेस की नीतियां क्या थी, आज नरेंद्र भाई मोदी केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी हमारी नीतियां क्या है, हमारे देश का दुनिया में कोई नाम बना है कि नहीं बना है, हमारे देश की स्थितियां सुधरी है कि नहीं सुधरी है, दिशा ठीक हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि बहुत ऐसे काम होते हैं जो उसको दिशा ठीक करने के बाद ही किया जा सकता है। आदमी को ईमानदार होना चाहिए, भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहिए, ये दिशा है। हर आदमी को इंजेक्शन लगा के, थप्पड़ मार के, डंडा मार के ईमानदार नहीं किया जा सकता, उसको ईमानदारी की तरफ मोड़ना है। मोड़ना है तो एक आह्वान करना पड़ेगा, सारी जनता को अपील करनी पड़ेगी। मोदी जी ने अपील की, उन्होंने कहा न खाऊंगा आगे ना खाऊंगा, अभी अपील की थी आज से 4 साल पहले, उस असर हुआ, क्योंकि ये भ्रष्टाचार अकेले नेता ही नहीं करते हैं, नेता करते हैं साथ में, अफसर जुड़ जाते हैं, फिर कर्मचारी जुड़ते हैं, और फिर जनता के लोग भी उसमें कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। ये संकल्प चारों को मिला करके बनता है, तो अपील हमको जनता को करनी है, नेताओं का संकल्प लाना है,
मैंने 90 विधानसभा क्षेत्रों में जो अपना दौरा किया, तो भी आया था, कुंडली में भी गया था, हमारा गुलाचिका में भी गया था, कलायत में भी गया था, सब जगह जहां हमारे चुने हुए प्रतिनिधि थे, नेता थे, जो मेरे साथ मंत्री आए थे, मंच पर खड़े होकर उनका संकल्प कराया था कि भ्रष्टाचार सब नेता नहीं करेंगे। और फिर आप लोगों के सामने उस समय DC SP जो होते थे वो भी खड़े होकर के संकल्प करते थे कि हम अपने यहां भ्रष्टाचार को नहीं पनपने देना करेंगे। आज होते तो आज फिर संकल्प करा देता, फिर करा देता। मैंने अपना नगर निगमों में जहां जहां चुनाव हुए 5 नगर निगमों में उस समय जो प्रत्याशी थे उनको सबको खड़े करा करके संकल्प कराया कि ना भ्रष्टाचार करेंगे ना करने देंगे। तो एक वातावरण बनाना पड़ता है, देश में वातावरण बना है कि जो भ्रष्टाचार करेगा वो देश का दुश्मन है।